नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की। क्या यहां से निफ्टी 19,000 की छलांग लगा सकता है या नहीं? क्या रीजन है जिस वजह से निफ्टी हमें 19,000 के 20,000 या 21,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल कारण क्या है और क्या रीजन है कि निफ्टी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है? तो आज की जो वीडियो है काफी एजुकेशनल है, काफी अच्छी चीजें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगी। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं जिसके बेस पे आप ट्रेड करके पैसा भी बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम पहले लेके जाएंगे आपको चार्ट पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको पहले लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको बताता हूँ कि कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक हमने आपको रिकमेंड करे थे। क्योंकि देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि डेली निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके आपको पैसा बनाना है, हम स्टॉक में भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। और हमने कुछ स्टॉक आपको आज के दिन रिकमेंड करे थे, जिसमें पहला जो स्टॉक था वो था LIC हाउसिंग। अब आपको पता है निफ्टी में काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, बट दोस्तों आज हमने एक मॉर्निंग में एक स्टॉक आपको सेल करवाया था क्या, एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों बेरिश अरेवी पैटर्न, जो कि LIC हाउसिंग के स्टॉक में देखने को मिला था। और हमने आपको 447.70 448 पे ही बोल दिया था कि पोजीशन अपने शॉर्ट में बना सकते हैं। अब देखिए क्या निफ्टी, तो मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से तेजी से बढ़ सकता है। और निफ्टी ने जो, अगर मैं बात करूंगा कि निफ्टी को जो 150 पॉइंट से ऊपर की इसने तेजी दिखाई है, बट ये स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिरा है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आप इस वीडियो में दोस्तों उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं LIC हाउसिंग के चार्ट पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो पहले हमने आपको बता देते हैं कि ये अवर्ली का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ और इस एरिया को कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। अब आप देखेंगे कि मॉर्निंग में हमने आपको कुछ यहाँ पे 448 के आसपास बोला था कि आप पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। रीजन क्या है दोस्तों, उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि यहाँ पे पैटर्न दिखाई दिया था जिसको बोलते हैं बेरिश अरेवी पैटर्न। बेरिश अरेवी पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो इसकी थोड़ी साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, फिर हम बाद में निफ्टी के बारे में बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा स्टॉक के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस स्टॉक का नाम है बेरिश अरेवी, और ये दोस्तों क्या है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। 448 पे बोला था कि पोजीशन आप शॉर्ट में बना सकते हैं, और लो जो इसका बना है वो बनाया दोस्तों 441 के आसपास का कुछ, क्योंकि 442 पे हमने अपना प्रॉफिट बुक करा था। 441.55 का लो इसमें बन चुका है। तो अब देखेंगे कि निफ्टी में इतनी तेजी है, बट ये स्टॉक क्यों गिरा, क्या रीजन है उसका। उसका रीजन दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, एक तो डबल टॉप था और दूसरा बेरिश अरेवी पैटर्न भी दिखाई दिया था। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक बनना है, निफ्टी स्पेसिफिक नहीं बनना है। निफ्टी तेज था तब भी ये स्टॉक गिरा और हमारा आज टारगेट आया। इवन हमने मॉर्निंग में फाउंडर इंडिया के चैनल पे भी बोला था जब ये 447 चल रहा था कि आप इसे बेच सकते हैं, बेच के पैसा बना सकते हैं। तो काफी लोगों ने इस पे ट्रेडिंग करी थी और ट्रेडिंग करके इसमें पैसा भी बनाया होगा। तो अगर आपने भी LIC हाउसिंग को बेच के पैसा बनाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने आपको रिकमेंड करा था दोस्तों, वो था वोल्टास। वोल्टास का अगर हम स्टॉक देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको हम बोलते हैं बेरिश अरेवी पैटर्न। तो वोल्टास के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे हम। वोल्टास का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ पे बेरिश अरेवी पैटर्न दिखाई दिया था। बट दोस्तों वोल्टास में बेरिश अरेवी पैटर्न की जो सेलिंग की कंफर्मेशन थी वो दोस्तों नहीं आई थी, जिस वजह से स्टॉक में तेजी आ गई। तो ये स्टॉक ही दोस्तों इनिशिएट नहीं हुआ। इसके अलावा भी दोस्तों हमने कुछ स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे, जैसे टाइटन बोला था। तो टाइटन भी दोस्तों बेरिश एंगलफिंग पैटर्न बना था, बट इसकी भी सेलिंग की कंफर्मेशन आज हमें दिखाई नहीं दी है। तो तीन स्टॉक बताए थे जिसमें दो में तो कंफर्मेशन नहीं आई थी और एक में कंफर्मेशन आ गई थी। तो ये तीन ही स्टॉक दोस्तों हमने आज रिकमेंड करे थे। अब मैं लेके जाऊंगा दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे। अब एक चीज और है दोस्तों, कहना चाहूंगा विदाउट कंफर्मेशन काम मत करा करिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे भैया मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था, कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वीडियो में मैंने बताया था बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 4 अवर्ली के चार्ट पे। क्यों कह रहा हूं दोस्तों इसको समझिए, क्योंकि कल एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था हैंगिंग मैन बना, नेक्स्ट कैंडल बेरिश, अगर इसके नीचे जाता है बाजार तो आप पोजीशन शॉर्ट में बना सकते, बट आज मार्केट ऊपर ही खुला तो ट्रेड हमारा इनिशिएट ही नहीं हुआ। बट कई लोग ना फालतू के मैसेजेस करते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ। ये वैसे मैं कभी शो करता नहीं हूँ, बट फिर भी चलो दिखाना बनता है एक बार। ये मैसेज दोस्तों मैंने किया था, यहाँ पे देखिएगा।
अब एक सज्जन मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब 3:04 में मैसेज था, ठीक है, मार्केट बंद होने से पहले। तो एक दोस्त ने मतलब ये भेजा मेरे को कि आज मुझे लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ? 100 रुपये का नुकसान, 80 रुपये का प्रॉफिट, 500 रुपये का नुकसान। ये 100 रुपये का प्रॉफिट, 80 रुपये का नुकसान, ये इस तरीके के मैसेज थे। और लिखा था कि आप बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी डाउन जाएगा, शूटिंग स्टार बना है H4 पर, लेकिन गलत हुआ। मैं क्या करूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पैसा कहाँ से लाऊँ। ये इस क्या मैसेजेस हैं, ये क्यों इरिटेट करते हो आप? अगर देखो मैं अपना नंबर आपको देता हूँ तो उसका मतलब क्या है फालतू के मैसेजेस करने के लिए? पहले तो वो शूटिंग स्टार पैटर्न नहीं था, अगर आप देखेंगे तो वो हैंगिंग मैन पैटर्न था, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। दूसरा दोस्तों, ये कन्फर्मेशन तो आई नहीं, विदाउट कन्फर्मेशन हमने ट्रेड करा है। और क्या 100-200 रुपये के प्रॉफिट के लिए मैं बर्बाद हो गया हूँ, ये हो गया? क्या फालतू के मैसेजेस करते हैं आप लोग? देखो मैं आपको नंबर देता हूँ कि आप अपनी क्वेरीज जो है, आपकी जो भी जेन्युइन क्वेरीज हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं। इवन मैंने आपके फोन 12-12 रात को 1-1 बजे भी लोग फोन करते हैं तो भी फोन उठाया है मैंने आपके, और आपकी क्वेरी सॉल्व करी है। सुबह 6 बजे भी फोन आता है तो 7 बजे मेरा कॉल बैक चला जाता है आपके पास। तो आप इस तरीके के मैसेज ना करा करिए, सामने वाला इरिटेट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। आज किसी सज्जन ने टाइटन में भी एक ट्रेड बना लिया था, बट मैंने उनको बताया कि इसमें तो कॉल इनिशिएट ही नहीं हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी गलती रियलाइज भी हुई। देखो क्या होता है कि हम जब कोई चार्ट भेजते हैं तो चार्ट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट बाय सेल कर लो। आप अपने चार्ट पे भी देखो ना भाई, इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, जैसे अगर मैं टाइटन का चार्ट आपको दिखाता हूँ, टाइटन का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो टाइटन के चार्ट पे पैटर्न बना था अवर्ली के चार्ट पे, जिसको बोलते हैं हम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये क्या है? बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। बट सेलिंग कहाँ पे आएगी? ये बेरिश कैंडल के नीचे आएगी, बट मार्केट आज पूरे दिन ऊपर ही था, इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ, तो कॉल इनिशिएट ही नहीं हुई। तो बट किसी ने ट्रेड बना लिया अपना, अब ट्रेड बना लिया था वो फंस गया। तो ऐसा मत करिए, आप सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं कोई टिप्स नहीं देता, डायरेक्टली कहता हूँ खुद से सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब खैर आप छोड़ देते हैं इसे और लेके जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे कि निफ्टी क्यों लग रहा है कि 19,000 जा सकता है, क्या रीजन है उसका। पहले तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी टारगेट्स निफ्टी को लेके बिल्कुल अचीव्ड हुए हैं। हमने आपको जो बाइंग करवाई थी, कहां से कराई थी, क्या रीजन था, पहले तो आप थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा पीछे और आपको बताऊंगा कि ये अप ट्रेंड लाइन में ब्लॉफ पैटर्न बनाता है। मैंने बोला था ब्लॉफ का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ब्लॉफ का रिजल्ट यानी कि एक बार जाएगा ट्रेंड लाइन के नीचे, वो सिर्फ रिटेलर को फंसा के वापस से ऊपर जाएगा। आपको बोला था और ऐसा ही हुआ। फिर दूसरी चीज आपको बोली कि भैया रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, फेंक देगा ऊपर ही, लेके जाएगा ऊपर। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का टारगेट आया है। हालांकि अगर मैं बात करूं आज से 1.5-2 साल पहले की, ऐसा होता नहीं था, अब ज्यादा होने लगा है। अब इसका रीजन क्या है? अब मैं क्यों कह रहा हूं कि निफ्टी जो है यहां से 19,000 जा सकती है, 19,000 जाने का रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका, वो उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं इसका एक काम करता हूँ, आपके सामने वीकली चार्ट लगा देता हूँ। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार मार्केट सीधा 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली चार्ट है, वीक के कैंडल है। तो जिस तरीके से, जिस स्पीड से मार्केट गया है, उस स्पीड से तो मार्केट 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 भी जा सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो ये है क्योंकि अभी तक लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुटें बाय कर रहे हैं, पुट बाय करें। हालांकि इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि सैटरडे को आपके पास जरूर रहेगी। साइकोलॉजिकल कारण बताऊंगा कि मार्केट में नुकसान क्यों कर रहे हैं लोग, और ऐसा हमारे साथ भी होता था। और कहीं ना कहीं उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील आएगा कि यार ये बंदा मेरी बात कर रहा है, ये स्पेशली मेरे ऊपर ही बात कर रहा है, मेरे इमोशंस की बात कर रहा है, जिस तरीके से मैं ट्रेड बना रहा हूं वैसे ही बात कर रहा है। तो मैं कुछ बताऊंगा आपको कि कुछ आपकी गलतियां हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के समय आप क्या ट्रेडिंग क्या क्या गलतियां करते हैं और किस तरीके से अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। आपको मैं अगर बताऊं कि कोई प्रॉब्लम बताऊं और प्रॉब्लम बता के छोड़ दूं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। तो परसों एक वीडियो आएगी, बहुत स्पेशल वीडियो है दोस्तों, जिसमें आपको बताऊंगा इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं और क्या क्या गलतियां आप करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो सैटरडे को आपके पास जरूर रहेगी, यानी कि सैटरडे को मैं वीडियो पोस्ट जरूर करूंगा। अब खैर बात करेंगे इसकी कि मार्केट हमें क्यों लग रहा है 19,000, 20,000, 21,000 भी जा सकता है विदाउट एनी रीजन, चाहे फंडामेंटल कितने खराब हो, चाहे कोई भी फंडामेंटल रीजन हो सकता है, इकोनॉमी कितनी भी डाउन जाए, बट मार्केट 21-22,000 क्यों जाएगा, क्या रीजन है? देखो पहली बात क्या है, शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे चलता है, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। शेयर बाजार चलता है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड से, डिमांड और सप्लाई से चलता है। डिमांड आएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, फंडामेंटल जो जो न्यूज आती है उसका इंपैक्ट थोड़ा सा मार्केट में देखने को मिलता है,
बट कहीं ना कहीं मार्केट क्या है उसको कवर कर लेता है। अब यहां से 21,000 क्यों लग रहा है मार्केट जाएगा, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मार्केट में लोग सबसे ज्यादा पुटे खरीद रहे हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया पुटे लोग सबसे ज्यादा क्या है खरीदे जा रहे हैं, और जब भी मार्केट लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर गया, अरे इतना ऊपर चला गया अब इससे ऊपर क्या जाएगा पुट खरीद लेते हैं, अरे इससे ऊपर क्या जाएगा पुटे खरीद लेते हैं, इससे ऊपर क्या जाएगा पुटे खरीद लेते हैं, और क्या है कोई ना कोई इसको खरीदे जा रहा है, यानी कि इसकी कॉल खरीदे जा रहा है। अब क्या है कि अगर आप पुट खरीदते रहेंगे तो कोई ना कोई तो है ना जो उस पुट को बेचेगा, पुट बेचने का मतलब क्या होता है, पुट बेचने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, बाइंग ही कर रहे हैं ना। अब इतने लोग पुट खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो बेचेगा, और उनकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होने के कारण मार्केट में तेजी आएगी, तो इस वजह से लग रहा है मार्केट पक्का 19,000 तो टच करेगा ही करेगा। हाँ देखो अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको चार्ट पे देखने को मिल जाएगा, इसलिए मार्केट में जो भी पैटर्न बन रहा है, अगर मैं अवर्ली का चार्ट लेके जाऊं आपको निफ्टी में, जो कि मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं काफी टाइम से, मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में कोई भी बीरिश कैंडल, अगर बीरिश कैंडल जब भी बनती है तो उसके साथ एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है, अगर बीरिश है तो बुलिश देखने को मिल जाएगी, बीरिश है फिर बुलिश है, फिर बीरिश है फिर बुलिश है, फिर बीरिश है फिर बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है बीरिश कैंडल यानी कि जो एक सेलिंग है तो मार्केट में वो इनिशिएट नहीं हो पा रही है। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में बायर्स ज्यादा है। मैं रिटेलर की बात नहीं कर रहा, रिटेल तो सेल कर रहा है, वो तो आग बंद करके बेच रहा है, मेरे पे इतने मैसेजेस आते हैं इतना बढ़ गया अब क्या लग रहा है, और जबरदस्ती के मैसेज आते हैं, अरे सर बैंक निफ्टी में डबल टॉप बन गया है, अरे भाई चेक करा तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में कुछ बना नहीं है, आप बनवा रहे हो। आप देखो अगर आपने कोई मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाई है तो आपको हर जगह सेल सेल लगेगा, अगर आपने मार्केट में बाय पोजीशन बनाई है आपको हर जगह बाय बाय लगेगा। तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर सैटरडे को, बताऊंगा क्या रीजन है इसका कि भैया आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड बना सकते हैं। और मैं सही कह रहा हूं, अगर वो वीडियो आप पूरी तरीके से सीख लेंगे समझ लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपकी ट्रेडिंग में काफी सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे कहना चाहूंगा फिलहाल मार्केट 19,000 क्यों लग रही है, क्योंकि मार्केट में लोग पुटे खरीदे जा रहे हैं और वहां पे जो स्मार्ट आदमी है वो वहां पे माल खरीदे जा रहा है, लोग बेच रहे हैं वो खरीद रहे हैं, और उसकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होने के कारण मार्केट तेज है, और मुझे लगा तेजी बढ़ती जाएगी 19,000, 20,000, 21,000 भी मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लोग जिद्दी होते रहेंगे तब तक लोगों का पैसा खत्म नहीं होगा ना, तब तक वो खरीदता जाएगा, जहां लोगों का पैसा खत्म हो जहां पे अपनी पोजीशन काटेंगे वहीं से मार्केट में करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। बट ये कब होगा कुछ नहीं कह सकते, वो हमें 17,000 पे भी लग रहा था, माफ कीजिएगा 14,000 पे भी लग रहा था, 15 पे भी लग रहा था, 16 पे भी लग रहा था, 17, 18, 18.5 मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है। तो खैर अब इसको हम छोड़ देते हैं और कहना चाहेंगे कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस, वो इंडिकेटर वाला नहीं कि इंडिकेटर लगा लो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला, वो बच्चों वाला वो नहीं, टेक्निकल एनालिसिस LIC हाउसिंग, मार्केट बढ़ा था LIC का हाउसिंग गिरा, वो हमने आज कॉल इनिशिएट करवाई थी। और खैर कहना चाहूंगा कि अगर आपको 70% की एक्यूरेसी भी लेनी है मार्केट में ट्रेड करके तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डाउ थ्योरी एलिडवे थ्योरी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी इस कोर्स में सिखाई जाती है। दोस्तों 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी। अब सबसे बड़ा रीजन क्या इसका कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में हमारे यहाँ पे एक स्कैनर का काम करता है, ये लोग कहते हैं ना स्कैनर चाहिए मेरे को, अरे भैया कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल ही एक स्कैनर का काम करेगा। तो कभी भी किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको MCX सेल कराया था, MCX देखिए टारगेट आया था, अब दोबारा से इसमें डबल टॉप बन चुका है, बीरिश रैम भी बन चुका है इसमें, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे भेजा है, पब्लिक चैनल पे नहीं भेजा, प्राइवेट है, ये प्राइवेट है सारी चीजें, ये कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलती है, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हो सके। अब जैसे ये टाटा केमिकल में पैटर्न बना है, इसी तरीके से हैवेल्स में पैटर्न बना है, इसी तरीके से यहाँ पे मन्नापुरम में बना है, वोल्टास में बना है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है जिससे आपकी लर्निंग अच्छी हो सके और पैसा भी आप कमा सके। काफी स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं आज भी, लोगों ने पैसा बनाया है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। साथ साथ आपको संडे के वेबिनार्स भी मिलेंगे, हर संडे हम वेबिनार्स करते हैं, हर संडे मैं लाइव आता हूँ, लाइव वेबिनार्स करता हूँ, जो भी आपके डाउट है जो भी आपकी क्वेरीज है वो मैं क्लियर करता हूँ। साथ साथ नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी भी आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल, संडे वेबिनार्स, वीडियो तो आपको मिलेगी, PDF फाइल भी मिलेगी, साल में एक बार मीटअप भी करता हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है, फिर भी नहीं मतलब आप कोर्स करेंगे तो आपको डाउट तो रहेगा, मुझे कॉल करो व्हाट्सअप करो। कई लोग कहते हैं ना सर ऑनलाइन सिखा दो, वैसे फेस टू फेस तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी नेट का इशू, बैच बनता है तो बैच में कभी कोई अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है, फिर रिकॉर्डिंग कोई नहीं होती आपके पास, तो
तो यहाँ पे क्या प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, डाउनलोड करो, कभी भी देखो, कभी कोई डाउट है फोन कर दो, जैसे वीडियो देख रहे हो आपको डाउट है उठाया फोन और सीधा मेरे से बात कर लिया आपने, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ बात नहीं कर पाऊंगा तो देखूंगा मिस कॉल है तो फोन कॉल बैक आपको कर लूंगा मैं। ये चीजें ना, ये सारी चीजें मैं प्लान करके चलता हूँ, ये सारी चीजें मैं ही देखता हूँ, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, इसके साथ साथ रिसर्च भी करना और भी आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है मैं काफ़ी टाइम से चीज़ें करता हुआ जा रहा हूँ तो मेरे को आदत है, तो सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, मेरी ही मेरे से ही आपकी बात होगी, मेरा ऐसा कोई टीम नहीं है कि आप टीम को कॉल करेंगे फिर वो मेरे को कन्वे करेंगे मैसेज, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपकी टीचर से ही बात होगी। अब साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, अगर आप चाहे तो ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं और जो कि बहुत जरूरी है, जो कि स्ट्रेटेजिकल अगर आप ट्रेड बनाते हैं, डायरेक्शन आपको टेक्निकल देगा, अगर आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर कोई ब्रोकर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो भी दोस्तों नीचे कुछ ब्रोकर्स के लिंक हैं, आप उसमें से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो भी मैं आपको संडे का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।